हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं महादेव नाम है शायद इनका, और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर अगर हम डेटर और क्रेडिटर पार्टी की बात करें तो हमें यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा GSTIN डेटर पार्टी का है और क्रेडिटर पार्टी का, और कहाँ डालेंगे डेटर पार्टी का, तो दोनों ही में कन्फ्यूजन है, तो इसी को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि टैली प्राइम अब हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर एक कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है, राजेश मल्टी स्टोर। शुरू से समझाता हूं ताकि सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं या ERP9 यूज कर रहे हैं, दोनों ही में लगभग सेम ही है। मैं यहाँ पे प्राइम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइम के हिसाब से चल रहा हूँ। तो यहाँ पे F3 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे साइड में देख रहे हैं एक पट्टी सी बनी हुई है, दिख रहा है। अब ये पट्टी का मतलब ये है कि यहाँ पर F2 दिया हुआ है, अगर डेट चेंज करना है तो आपको F2 प्रेस करना है। और अगर आपको कंपनी में जाना है, नई कंपनी बनानी है, या किसी कंपनी को बंद करना है या डिलीट करना है, तो आपको F3 प्रेस करना होगा। तो कीबोर्ड से फंक्शन बटन F3 प्रेस कर देता हूं, यहां पर आ गए। अब हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहां पर क्रिएट कंपनी पर चले जाते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एक कंपनी क्रिएशन वाला ऐसा फॉर्म हमें दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर कंपनी का नाम देना है, तो यहां पर मैं दे देता हूं क्लासिक इंडिया। ये हमारे कंपनी का नाम है, ठीक है, ये हमारे कंपनी का नाम है। इट मींस कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनके कंपनी का नाम है। तो यहां पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस किया। यहां पर यू प्रेस कर देता हूं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर पिन कोड आ जाएगा, ठीक है, जो आपका स्टेट हो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करिए, अपना पिन कोड डालिए, एंटर प्रेस कीजिए। और यहां पर देखिए, यहां पर कंफ्यूजन के लिए मैंने वीडियो क्रिएट किया है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं रखता हूँ 1/4/2019, 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च तक का जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बुक बिगिंस फ्रॉम आपका काम कब से शुरू हो रहा है, तो मान लीजिए काम शुरू हो रहा है 1 मई से, तो 1/5/2019 कर देता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई ये यहाँ पर -2019, ठीक है, ये हमने कर दिया 2019। अब इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। एक्सेप्ट कराते ही ये विंडो खुल करके आ जाएगी। यहां पर पहले अकाउंटिंग की बात करी गई है, ठीक है। अगर आप कॉस्ट सेंटर ऑप्शन या इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन चालू करना चाहते हैं, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो उधार में माल परचेस करके जब बेच लेती हैं तब जाके पैसा देती हैं अगले पर्सन को जहां से वो सामान लाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने ये क्राइटेरिया तय कर दी, जहां से वो सामान लेके आते हैं उन्होंने एक क्राइटेरिया तय कर दी कि आप 1 महीने में पैसा लौटा दोगे तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 2 महीने में पैसा लौटा दिया तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन यहां दिया हुआ है, यहां से आप उस पर ब्याज लगा सकते हैं, 1%, 0.2%, ऐसे करके ब्याज आप दे सकते हैं कि अगर आपने 2 महीने में हमारे माल जो है बेच करके पैसा नहीं लौटाया तो उस पर हम ब्याज लगाएंगे। तो इसके लिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है। कॉस्ट सेंटर मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इंटरफेस करते हैं, इन सबको अभी छोड़ते हैं। यहां पर इन्वेंटरी की डिटेल आएगी, इन्वेंटरी यानी जो हम स्टॉक आइटम बनाते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो अभी कोई हम इसमें कोई बात नहीं करेंगे, इंटरफेस करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप GST इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, वाई प्रेस करिए, इंटरफेस कर दीजिए। तो ये GST इनेबल होने के लिए ये एक विंडो नई खुल करके आएगी। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं रेगुलर GST फाइल करूंगा, ठीक है, इसको नो रखता हूँ। और यहाँ से 1 मई से अप्लाई हो रहा है। GST कब से अप्लाई हो रहा है? 1 मई से, क्योंकि काम हमारा 1 मई से ही चालू हो रहा है, दैट्स वाई। अब यहाँ पर जो हमारी कंपनी है ना उसका GSTIN नंबर आएगा, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उस कंपनी का GSTIN नंबर जो है हमारे कंपनी का आएगा, इसको टैली वेरीफाई करेगा। मंथली ही फाइल करेंगे GST हम, अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हो तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आकर के वाई प्रेस कर देंगे और यहां पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अभी हमें कुछ नहीं डालना है, एंटर प्रेस करना है। यहां पर भी HSN कोड, SSC कोड में भी कुछ मत डालिए, आ जाइए यहां पर। यहां पर हमें करना है टैक्सेबल, अगर टैक्स टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो टैक्सेबल टैक्स तो GST तो हमें लगाना ही है, तो दैट्स व्हाई टैक्सेबल ही तो करेंगे, तो टैक्सेबल कर देता हूं। बाकी के ये दो ऑप्शन जो है एग्जेम्प्टेड यानी जिन्हें जिन प्रोडक्ट्स को GST लॉ के बाहर रखा गया है उन्हें हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं, और नील रेटेड यानी GST तो लगता है लेकिन 0% लगता है, ठीक है। तो यहां पर टैक्सेबल लगता हूं। और यहां पर आ जाते हैं, यहां पर बाय डिफॉल्ट 28% हाईएस्ट जो हमारे इंडिया में GST लगता है वही दे रहा हूं, ठीक है। एंटरप्रेस किया तो यहाँ पे 14% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। एंटरप्रेस करता हूँ और यहाँ पर एंटरप्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। बाकी की कोई चीज TDS, TCS या और भी कोई चीज अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि GSTIN नंबर आपको समझ में आ जाए।
तो हमने अपने कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर दे दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नीचे एक कंपनी खुली हुई है राजेश मल्टी स्टोर, इसको बंद करना है तो F3 प्रेस कीजिए फंक्शन बटन, ठीक है, और सेट कंपनी पर चले जाइए नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए। हमारी कंपनी जिसे बंद करना है उसका नाम है राजेश मल्टी स्टोर, यहां पे एंटर कीजिए और दोबारा एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब आ जाते हैं कहां पर, वाउचर एंट्री पास करने के लिए, तो यहां पे वी प्रेस कर देता हूं, ठीक है। वी प्रेस करते ही हम आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये हम पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें कहां जाना है, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए F6 फंक्शन बटन प्रेस कर सकते हैं, या साइड में ये पट्टी दिख रही है आपको, यहां पर आप कर सकते हैं क्लिक। ये देखिए यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी रिसिप्ट वाउचर में आप चले जाएंगे। तो F6 प्रेस करता हूं मैं, ये देखिए आ गया रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर के लिए यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सप्लायर का जहां से आप माल खरीद रहे हो, ठीक है। अब एंटर प्रेस किया, 1 अप्रैल से तो हमारा काम शुरू नहीं हुआ है, हमारा काम 1 मई से शुरू हुआ है, तो 1/5/2019 कर देता हूं, ठीक है। ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर देखिए टैली प्राइम में बड़ी अच्छी बात है कि यहां पर कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है, क्रिएट पर। अब करना क्या है, एंटर प्रेस कर देना है सीधे, क्योंकि हमें यहां पर लेजर्स बनाने होंगे, खाते बनाने होंगे। किसके खाते बनाने हैं, देखिए बिजनेस में जो भी पैसा आप निवेश करते हो, रुपया निवेश करते हो, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप कुछ और नहीं लिख सकते, कैपिटल ही लिखना होगा आपको। तो यहां पर एंटर प्रेस कीजिए, लिखिए यहां पर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लिख दिया, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अंडर ग्रुप सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती हो तो आप घबराइए नहीं, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल के ग्रुप में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर परचेज अकाउंट होगा तो परचेज के ग्रुप में जाएगा, सेल्स अकाउंट होगा तो सेल्स के ग्रुप में। तो ज्यादातर जगह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। कंफ्यूजन जहां होगी उसको हम देखेंगे फिर, फिलहाल जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूं उस पर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया, यहां पर कैपिटल अकाउंट रखा और एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेते हैं एक्सेप्ट। ये कर दिया हमने, कोई डिटेल हमने और नहीं डाली है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। यहां पर कर दिया, यहां पर 70,000 रुपए हम निवेश कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है। अब यहां पे क्रेडिट आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, यहां पे डेबिट आ रहा है तो कैश नीचे, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी कैश का लेजर मत बनाइएगा नहीं तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी। तो कैश कर दिया हमने यहां पे, कैश और का लेजर कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंटर प्रेस किया, अब यहां पे नरेशन वगैरह चाहे तो डाल सकते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये पहली एंट्री हमारी हो गई पास, क्लियर, कंपनी हमारी शुरू हो गई और 1 मई में हमने पहली एंट्री पास कर ली। अब हमको दूसरी एंट्री पास करनी है। मान लीजिए 1 मई को ही आप परचेजिंग कर रहे हो तो परचेजिंग परचेज वाउचर में होगी, तो परचेज वाउचर में जाने के लिए आपको F9 प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। आप आ जाएंगे परचेज वाउचर में, अब यहां पर आएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो भी हो यहां पर डाल दीजिए आप, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर 1 अप्रैल ही आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेट चेंज करना है, क्योंकि पैसा आपने रिसीव कराया है 1 मई को और आप एंट्री करेंगे 1 अप्रैल को तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। हमें रखना है 1 मई 2019, 1/5/2019। तो ये देखिए यहां पर 1 मई 2019 हो गया। अब यहां पर कर्सर हमारा आ गया क्रिएट पर, पहला जो क्रेडिटर पार्टी है उसका हमें लेजर बनाना है, ठीक है, लेजर यानी खाता। तो रितेश कुमार सिंह ये हमारी है क्रेडिटर पार्टी, जहां से हम माल खरीदेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहचान के लिए मैं केवल सी लिख देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है, जो है पार्टी यही वो पार्टी है जिससे हम माल खरीदेंगे, ठीक है, परचेस करेंगे। आ गए यहां पे, अब इसका ग्रुप क्या होगा, तो एस प्रेस कीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आएगा इसका, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जो माल खरीदते हैं वो उधारी में खरीदते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो उधार में माल परचेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारी कंपनी हमने बनाई है क्लासिक इंडिया, उसमें हमने उधार में माल परचेस किया हो, तो यहां पर मेंटेन बिल बाय बिल इसको तो यस रखना ही है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये क्रेडिट पीरियड और चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, ये वाला ऑप्शन यस कर सकते हैं कि आपने 1 महीने में उधार चुकाना है, नहीं तो हम 2% का ब्याज लगा देंगे आपके ऊपर, इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ता हूं, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं और यहां पर पिन कोड आ जाएगा और इनका जो GSTIN है वो यहां पे आएगा, ठीक है। तो यहां पर इनका GSTIN डाल रहा हूं, टैली इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये हो गया, और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कराता हूं,
अब देख सकते हैं ये क्रेडिटर पार्टी का GSTIN है, हमारे कंपनी का GSTIN कंपनी बनाते समय हमने डाला था, ठीक है। एंटरफेस करेंगे, स्टेट डाल ही दिया, एड्रेस चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैंने छोड़ दिया है। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, तो क्रिएट पर कर्सर चला ही गया, यहां पे लिख दीजिए परचेज अकाउंट, एंटरफेस कीजिए, एंटरफेस कीजिए और फिर एक बार एंटरफेस कीजिए, पी प्रेस कीजिए तो परचेज अकाउंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर परचेज अकाउंट कर दीजिए, ठीक है, एंटरफेस कीजिए, एंटरफेस कीजिए, एंटरफेस कीजिए और एंटरफेस कीजिए और एंटरफेस कीजिए और एंटरफेस कर दीजिए। यहां पर स्टॉक आइटम बनाना है, कैसे बनाएं, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर पहला स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए बुक, ठीक है, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया और यहां पर प्राइमरी ही रखता हूं, यहां पर यूनिट बना लेते हैं, तो आईटीएम आइटम कर देता हूं और यहां पर पीस फॉर्मल नेम आइटम और यहां पे पीस पैकेट जो भी हो तो पैक्स पैकेट कुछ भी रख लीजिए, तो ये पीस रख लेता हूं, एंटरपेस करता हूं और इसको एक्सेप्ट कराता हूं। अगर आप अलग से जीएसटी देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पर। फिलहाल मैंने 28% जीएसटी लगाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, लगता नहीं है बुक पे 28%। अब मान लीजिए ऐसी 60 किताबें आप परचेस कर रहे हो और एक किताब पढ़ रही है 120 रुपए की, ठीक है, टाइपिंग की, तो ये यहाँ पे टोटल आ गया। फिर दूसरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जावा की बुक परचेस कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट कर देता हूं, तो जावास्क्रिप्ट कर दिया हमने और एंटरपेस किया, एंटरपेस किया, एंटरपेस किया और यहां पर आए और यहां पे आइटम कर देता हूं और फिर यहां पे जीएसटी अगर अलग से देना चाहे, चलिए वो भी दिखा देता हूं, वाई प्रेस कर देंगे और यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की ही तो बुक है। एंटरप्रेस किया और एचएसएन कोड डालने की जरूरत नहीं है, अभी ऑन वैल्यू रखेंगे और यहां पर टैक्सेबल, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 5% का टैक्स लग रहा हो, जीएसटी लग रहा हो, तो एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया कि 5% का जीएसटी लग रहा है, 5 किताबें परचेस कर रहे हैं और ये किताब पड़ रही है 670 रुपए की, तो उसके हिसाब से टोटल आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी के लेजर बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी तो हमने अप्लाई कर रखा है, एप्लीकेबल किया है। अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए सी जीएसटी, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, जीएसटी के खाते भी बना लीजिए, डी प्रेस कीजिए, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, सारे जो टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं, तो यहाँ पे डी प्रेस कीजिएगा तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको शो हो जाएगा। एंटरप्रेस कीजिएगा और ये जीएसटी ही है, सेंट्रल टैक्स है, एंटरप्रेस किया और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे 2 रख देता हूँ ताकि डेसिमल वैल्यू 2 तक ले सके, ये एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए सी जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। अब एस जीएसटी की बात कर लेते हैं, तो एस जीएसटी लिखा हमने और एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, जीएसटी ही रहेगा और यहाँ पे कर देंगे स्टेट टैक्स और यहाँ पर एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे 2 एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट कराने के बाद, ये एंटरप्रेस कर दिया हमने और ये एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद अब इसका प्रिंट देखना है, तो 2 बार डी प्रेस करते हैं, ठीक है, रिसीव वाउचर का प्रिंट यहाँ से आएगा, परचेस का हमें देखना है, तो अल्ट के साथ पी प्रेस करना है, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो यहां पे देखिए इसको जूम करके दिखाता हूं, ये देख सकते हैं ये जो है टैक्स रेट आया हुआ है, ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं क्लासिक इंडिया, ये हमारा GSTIN है, ठीक है, ये जो है हमारा GSTIN है, लेकिन सप्लायर का GSTIN इस पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि हमने सप्लायर का GSTIN क्या डाल रखा था, ठीक है। अगर आप सप्लायर का GSTIN भी शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए चाहे तो आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाता हूं, यहां चलते हैं कॉन्फिगर पे, ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं यहां से आप सेटिंग कर सकते हैं, शो जीएसटी रेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से जीएसटी रेट आप शो करा सकते हैं, ठीक है। जीएसटी टैक्स एनालिसिस अगर आप शो कराना चाहते हैं तो यहां पे आप शो करा सकते हैं, यहां पर जाइए और ये यस एंटर प्रेस करेंगे तो ये यस अपने आप हो जाएगा और ये भी आप चाहे तो शो करा सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। रेट शो कराना चाहें तो ये यहां से वाई एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पे, तो ये शो होने लगेगा, रेट के लिए भी ऑप्शन ये चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप का टाइटल हमें नहीं देना है, हमें टाइटल क्या देना है, जैसे मान लीजिए मैं दूंगा क्लासिक इंडिया, तो यहां पर लिखता हूं क्लासिक इंडिया, ये टाइटल है, तो यही बिल पर प्रिंट होकर आएगा। आप चाहे तो सब टाइटल भी दे सकते हैं, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहां से बाहर आता हूं, अब इसका प्रीव्यू एक बार देखने की कोशिश करते हैं, तो प्रीव्यू हमें कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये नीचे सारी डिटेल्स सब कुछ शो हो रहा है, ये नीचे देखिए आप, ये देखिए सारे डिटेल्स नीचे शो होंगे
और ये देखिए ऊपर जो हमने टाइटल दिया था वो भी शो होगा क्लासिक इंडिया, ये हमारे कंपनी का नाम है तो ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने GSTIN ये जो प्रिंट होकर आया है बिल पे, ये GSTIN जो है आपके कंपनी का GSTIN है, और जो हमने डाला था वो GSTIN जो है क्रेडिटर पार्टी का है, और वो क्रेडिटर पार्टी का GSTIN भी आप लेके आ सकते हैं। चलिए ये उसे भी दिखाई देता हूं कि आप GSTIN नंबर दोनों का कैसे देख सकते हैं, वो भी देख लिया जाए। तो कीबोर्ड से आपको डी बटन प्रेस करना है, पहले तो आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए क्लिक करिएगा तो ये हल्का सा येलो कलर में ये डिस्प्ले होगा, आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से दो बार डी बटन प्रेस कीजिए और फिर आ जाइए, ये जो एंट्री आपने पास की है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो हम यहाँ से अल्ट के साथ पी प्रेस कर रहे थे, और फिर यहाँ पर आपको पी प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पर आप कॉन्फिगर पर आ जाइए, ठीक है। और ये सेटिंग देख लीजिए किस तरह से मैंने सेटिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर शो मोर पे क्लिक कर दीजिए, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी चीजें आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आएंगे, देख लीजिए ये यहाँ पे शो GSTIN है, तो आप इसको यस कर दीजिए, ठीक है। यस करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक पार्टी का होगा GSTIN और एक होगा जिससे आप खरीद रहे हैं उसका, और एक जो खरीद रहे हैं उनका, दोनों पार्टी का होगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले पार्टी नेम अन्य मालियाज मैंने कर दिया है, और यहाँ पर पार्टी का अगर कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिखाना चाहते हैं आप बिल पर, तो यहाँ पे इसको भी यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये भी यस हो जाएगा, ठीक है। फिर शो CIN और वेबसाइट वगैरह का नेम अगर देना चाहते हैं तो वो भी यस कर दीजिए। मैंने यहाँ शो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर TRN नंबर जो है उसको भी यस कर रखा है, और यहाँ पे शो पैन इनकम टैक्स नंबर ये सब भी यस कर रखा है, और शो GSTIN इसको भी यस कर दिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए पार्टी डिटेल्स, यहाँ पर जब आएंगे तो शो पार्टी डिटेल्स, तो इसको यस कर रखा है, शो नेम एंड एड्रेस एंड पार्टी मास्टर, तो ये सब भी यस रखा है। डिस्प्ले नेम फॉर पार्टीज ये भी यस रखा है, और यहाँ पर देखिए शो बायर्स GSTIN, तो बायर का भी GSTIN हमने यस कर रखा है, और यहाँ पर ये सब चीजें ये सब भी यस है। तो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, और ये सारी डिटेल्स जैसे मैंने फिल किया है ऐसे ही आप इसको यस कर दीजिए, और यस करते हुए अब इसको करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट, ठीक है। जब एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ प्रीव्यू देखेंगे आप, तो प्रीव्यू में आपको यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें नजर आएंगी। देखिए ये आपकी कंपनी का GSTIN है, ठीक है, यहाँ पर भी वही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्लायर का जो GSTIN है वो शो अभी भी नहीं हो रहा है। ये शो हो रहा है लेकिन ये नीचे शो होगा, देखिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो पार्टी है उसका GSTIN यहाँ पे शो हो रहा है, ये देख सकते हैं AISPT 6789Z, ये जो है जो हमारी पार्टी है उसका GSTIN है, ठीक है, उसके कंपनी का GSTIN है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं रितेश कुमार, ये जो है पार्टी का नाम है, ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम क्या है, क्लासिक इंडिया। तो क्लासिक इंडिया का GSTIN अलग है, और ये जो पार्टी है जिससे हम परचेस कर रहे हैं उसका GSTIN यहाँ पर अलग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ये जो है परचेस करना है, तो ये इस तरह से आया हुआ है, आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इससे बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे इसे हमें करना है। और यहाँ पर स्टेट का कोड आया हुआ है, ठीक है, 09, तो हर एक स्टेट का अपना एक अलग कोड होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसको जरा बाहर आता हूं मैं, पहले ये बाहर आ गए हम, और यहां से आ जाते हैं यहां पर। अब ये तो हमने एक्सेप्ट करा लिया है, कंट्रोल ए प्रेस करके इसे हम एक्सेप्ट पहले ही करा चुके हैं। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, अब इसी के लिए हम चलते हैं सेल्स वाउचर में, तो वी प्रेस कर लेता हूं, और सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस करेंगे, तो आगे सेल्स वाउचर में। अब यहां पर डेटर पार्टी का लेजर बनाना है, तो डेटर पार्टी के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, और यहां पर डेटर पार्टी का नाम दे देता हूं दुर्गेश स्टोर, ये डेटर पार्टी है हमारी, और यहां पे डी कर देता हूं डेटर, पता चलता रहेगा कि ये डेटर पार्टी है। तो यहां पे एस प्रेस करूंगा और इसे सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डाल दूंगा, ये सन्ड्री डेटर कर दिया हमने, और ये सारी चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखना है, और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मैंने बताया था आपको कि ये तब हम यूज करेंगे, और इसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे आप, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा कि आपने एक महीने में अगर बिल का भुगतान कर दिया, जैसे उधार परचेस करके ले आए और एक महीने में उस बिल का भुगतान कर दिया, तो उस
तरीके से आपका ब्याज नहीं लगेगा, अदरवाइज हम ब्याज भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें अगर करनी है तो इसको आप एक्टिवेट करके कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर आता हूं और यहां पर इंटरफेस करते हुए अब यहां पे देख सकते हैं डेटर पार्टी का GSTIN डालना है आपको, ठीक है। किसका GSTIN? डेटर पार्टी का। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, लिखता हूं ए और फिर ये इस तरह से हमने कर दिया और इसको टैली वेरीफाई करेगा। अब ये डेटर पार्टी का GSTIN है, ये बात ध्यान दीजिएगा, और इसको इंटरफेस करेंगे और ये किस चीज के थ्रू जा रहा है, इसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कैरियर एजेंट का नेम जो लेके जा रहा है, उसके जो व्हीकल है उसका नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स। और यहाँ पर देखिए वही GSTIN आया हुआ है, डेटर पार्टी का GSTIN है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, तो यहाँ पर आपका कर्सर डायरेक्टली क्रिएट पर आ जाता है और एंटरप्राइज कर दीजिए, क्योंकि मैं टैली प्राइम यूज कर रहा हूँ और यहाँ कर देता हूँ सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया और यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप में इसे डाल देंगे। तो ये सेल्स अकाउंट आ गया, एंटरप्राइज किया हमने और यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं रहेगा, एंटरप्राइज करते हुए इसे करा लीजिए आप एक्सेप्ट। तो ये हमने करा लिया। अब हमने जो माल परचेस किया है उसको सेल करने की बारी है, ठीक है। तो यहां पर सेल करता हूं, जो भी हमने परचेस किया था उसे सेल कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की बुक है, तो पांच बुक है, पांच में से चार बुक हम सेल कर रहे हैं और 1200 रुपए की एक बुक मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टोटल आ गया, ठीक है। और भी जो हमारे पास स्टॉक आइटम होगा उसको भी ले लेंगे, जैसे टाइपिंग की बुक है तो 60 बुक है हमारे पास, 50 हम सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे 50 दे दिया हमने, यानी 50 बुक हम सेल कर रहे हैं और एक की कीमत हम रखेंगे 160 रुपए, 100 समथिंग का हमने खरीदा था और 160 का हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जीएसटी का लेजर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CGST लगा लेता हूँ, ठीक है, सी प्रेस करेंगे CGST आ जाएगा, ये CGST का लेजर आ गया और फिर SGST का लेजर भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ से नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आ जाइए और अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी। तो अगर आप नरेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख के दिखा देता हूं, द गुड्स हैव बीन, ये हमने दे दिया नरेशन, ठीक है। अब एंटरप्राइज करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब एक बार डिस्प्ले में चलते हैं और सेल्स वाला जो हमारा प्रिंट है उसको देखते हैं। तो यहां से अल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा आपको और एंटर प्रेस कीजिए और एक बार इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो प्रीव्यू देख सकते हैं, ये प्रीव्यू इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये हमारा क्लासिक इंडिया जो हमारी कंपनी है और ये इनको हमने माल बेचा है और इनका भी GSTIN यहां पर आ रहा है और हमारे कंपनी का भी GSTIN यहां पे शो हो रहा है। नरेशन डाला था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी नरेशन नहीं आया हुआ है। तो नरेशन भी आए इसके लिए क्या करना होगा वो भी बता देता हूं। यहां पर पहले इसको क्लोज कर देता हूं और यहां से हमें आना है कॉन्फिगर पर, ठीक है। वापिस आते हैं कॉन्फिगर पर, नीचे आइए और एक बार और यहां पर देखिए शो नरेशन दिया हुआ है, तो नरेशन यहाँ पे नो है। आप खाली एंटर प्रेस कर दीजिए अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए। अब इसका हम देखते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रीव्यू देखते हैं। तो यहां पर नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या आया हुआ है नरेशन में, ठीक है। तो हमने दिया था गुड, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, तो ये बी हो गया है। यहाँ पे हम बीन कर लेते हैं, ये लिखते समय एन छूट गया, तो यहां पर आकर के देख सकते हैं ये नरेशन भी प्रिंट कर दे रहा है। तो यहां पर पहले बाहर आ जाता हूं और यहां पे देखिए एन छूट गया यहां पे, तो यहां पे जाकर के और अब एन लिख देता हूं मैं सिर्फ, बाकी सारी चीजें तो हो ही चुकी हैं। यहां पे लिख दिया एन, ठीक है, द गुड्स हैव बीन सोल्ड। अब यहां पे लिखेंगे सोल्ड, SOLD, ठीक है, सोल्ड लिख दिया और यहां पर एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और इसे करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करके अब इसका प्रिंट देखता हूं, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और फिर प्रीव्यू के लिए आई प्रेस कर देता हूं, तो ये प्रीव्यू आ चुका है। इसको जूम कर देता हूं और आपको अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ये लिखा हुआ आ रहा है रिमार्क्स में। तो आप रिमार्क्स में कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, मैंने यही दे दिया है। तो इस तरीके से आप नरेशन भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन इससे दूर हो गई होगी। और अब यहां पर पेमेंट की बारी है, ठीक है, पेमेंट कैसे करें, यहां पे पेमेंट की बारी है और पेमेंट कैसे करें ये समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए उधारी का माल तो खरीद लिया लेकिन इसका पेमेंट भी तो करना है, तो पेमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए परचेज बाउचर में पहले चलते हैं, परचेज बाउचर वाली डिटेल हमारे पास यहां पे है, यही है ना, लेकिन अभी तक हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देते हैं तो उस कंडीशन में ये उधारी हो जाती है, ठीक है। अब ये उधारी का पेमेंट हमें करना है तो इसके लिए बी प्रेस कर देता हूं और चलना है कहां, पेमेंट बाउचर में। तो आपको F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से और सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूं
किस डेट पर आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूं 2/6/2019, यहां पे 2019 कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, इसी डेट पर हम पेमेंट करेंगे इनको, तो यहां पर कर देता हूं क्रेडिटर पार्टी हमारी है रितेश, ठीक है, इनके ऊपर 12,734 रुपए शो हो रहा है बैलेंस, आप देख सकते हैं, तो यहां 12,734 रुपए मैं डाल देता हूं, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर ये बॉक्स खुल करके आ जाता है अपने आप, ये फायदा है, ठीक है। अब यहां पर आपको करना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि इसी बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो ये यहां पर डेबिट हो जाएगा और यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए। और आप मान लीजिए कैश में चुका रहे हो ये पैसे, तो ये कैश कर दीजिए, ठीक है, आप नरेशन भी डाल सकते हो। यहां पे ये पूरा हो गया पेमेंट, ठीक है। अब आपने जो परचेज वाउचर था उसका तो पेमेंट कर दिया, जो परचेज किया, ठीक है। अब जो सेल हुआ है उसका पेमेंट आपको रिसीव करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन कभी कभी आ जाती है। आप देखिए ये जो हमने पेमेंट वाली एंट्री की है उसका पेमेंट आपको दिखा देता हूं, ये रहा उसका पेमेंट, ये देख सकते हैं। इसको भी प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट साथ पी प्रेस करके, एंटर प्रेस करके और यहाँ आई प्रेस कर देंगे तो ये उसकी भी रिसिप्ट निकल जाएगी आपके पास, ये देख सकते हैं, ये उसकी रिसिप्ट है, ठीक है, किसके अगेंस्ट क्या पेमेंट हुआ, ये सारी कुछ डिटेल इस पे आ जाएगी। अब बाहर आता हूं और बाहर आकर के बात कर लेते हैं सेल्स वाउचर में जो हमने एंट्री पास की थी उसके रिसीव करने की। तो रिसीव वाउचर में जाना है, F6 प्रेस करना है, ठीक है, और सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब मान लीजिए वो पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है 1/7/2019 में, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब जो डेटर पार्टी थी वही तो आपको पेमेंट करेगी, ठीक है, और किस में पेमेंट करेगी, कैश में पेमेंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटर पार्टी का नाम यहाँ पे ये दुर्गेश स्टोर डी यही था ना, ये ले लिया हमने, इनके ऊपर 15,280 रुपए बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पे 15,280 रुपए मैं कर देता हूँ और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे कैश, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, पेमेंट कर दिया तो जिम्मेदारी से वो हो गए मुक्त, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लिया हमने। आप नरेशन भी डाल सकते हैं, इसका प्रिंट देखेंगे तो यहाँ पे ये डेटर पार्टी वाला पेमेंट है, ये देख सकते हैं आप, ये पेमेंट हुआ है रिसिप्ट में, ठीक है, ये देखिए ये पेमेंट है। और अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और फिर यहाँ पे आई प्रेस कर दीजिए तो ये वाली एंट्री है, आप देख सकते हैं इसको, ये वाली एंट्री है। तो इस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं और इस तरह से क्रेडिटर और डेटर पार्टी की सारी डिटेल देख सकते हैं, चाहे वो जीएसटीआईएन नंबर हो या नरेशन हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक टैली के लिए पूरा समाधान ही दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए हमें, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।